वेलकम बच्चों, आप लोगों ने जगदीश चंद्र बसु का अर्थात जगदीश चंद्र बोस का नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो आज आप लोग इनके बारे में जरूर जान जाएंगे। ये एक बहुत बड़े ही साइंटिस्ट थे जो पौधों पर रिसर्च करते थे, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन सा चैप्टर है। ये क्लास 5 का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 7, जगदीश चंद्र बोस। इनको हिंदी में कहीं कहीं आप लोग देखेंगे जगदीश चंद्र बसु भी लिखा रहता है। तो जगदीश चंद्र बसु और जगदीश चंद्र बोस दोनों सेम हैं, एक ही व्यक्ति का नाम है। हम लोग जब इनके बारे में पढ़ाई किए थे, जिस समय हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उस समय इनके बारे में एक कहानी दिया हुआ था। उस कहानी में इनके बचपन के बारे में बताया गया था कि एक बच्चा था जो शाम के समय में बॉल से खेल रहा था और अचानक ही उनका बॉल जो है किसी लत में, किसी पौधे में जाके फंस जाता। वो बच्चा अपनी मम्मी से बोलता है कि वो बॉल मुझे उतार कर दो। उसकी मम्मी बोलती है कि पेड़ अभी सो गए होंगे, इसीलिए छोड़ दो, सुबह निकाल लेना। तो ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं एक विचार बना देता है कि क्या पेड़ भी सोते हैं, क्या पेड़ जिंदा हैं, क्या पेड़ खाते हैं। इस तरह की बात वो सोचने लगता है और उसी समय से पेड़ों पे वो रिसर्च करने लगते हैं। जीवन भर वो इसी चीज़ पे रिसर्च करते रहते हैं पौधों के बारे में और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं हूं दुलाचंद दास, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारी यह यात्रा लगातार चल रही है और हम लोग सफलता की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। प्लांट्स लाफ, दे वीप, दे बिकम एंग्री। पौधे हंसते हैं, रोते हैं और वे गुस्सा भी होते हैं। दे ग्रो फास्टर इन प्लीजेंट इन्वायरमेंट। उपयुक्त पर्यावरण में वे तेजी से बढ़ते हैं। द प्लांट्स हैव फीलिंग नॉट लेस देन ह्यूमन बींग्स। पौधों में मनुष्यों से कम संवेदन नहीं होता। देयर इज लाइफ इन प्लांट्स। पौधों में भी जीवन होता है। इट वॉज गोइंग टू बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। यह परीक्षण के द्वारा साबित करने जा रहा था। द हॉल वॉज फुल ऑफ साइंटिस्ट। पूरा हॉल वैज्ञानिकों से भरा हुआ था। एन इंडियन साइंटिस्ट कम। एक भारतीय वैज्ञानिक आया। ही कनेक्टेड एन इंस्ट्रूमेंट टू ए प्लांट। एक मशीन को एक पौधे से जोड़ दिया। ए बिग डॉट ऑफ लाइट स्टार्टेड मूविंग ऑन द स्क्रीन। प्रकाश का बड़ा धब्बा बोलिए या फिर प्रकाश पुंज बोलिए, पर्दे पर हिलता हुआ दिखाई देना आरंभ हो जाता है। द प्लांट वॉज केयरफुली पिक्ड अप विथ इट्स रूट। एक पौधे को सावधानीपूर्वक जड़ सहित उठाया। द रूट ऑफ द प्लांट वॉज पुट इन पॉइजन। और उस पौधे के जड़ को जहर में, पॉइजन में डाल देता है। द प्लांट्स पल्स बीट बिकम मोर एंड मोर वायलेंट। पौधे का पल्स बीट मतलब उसकी धड़कन, पल्स बीट तेज और अत्यधिक तेज हो जाता है। सून द स्पॉट कैम टू ए सडन स्टॉप। जल्दी ही वो प्रकाश का धब्बा, वो प्रकाश पुंज अचानक एक जगह पे रुक गया। द प्लांट हैड डेड बिकॉज ऑफ पॉइजन। जहर के कारण वह पौधा मर जाता है। लाइफ इज द प्लांट वॉज प्रूफ्ड। इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है कि पौधों में जीवन होता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रूफ इट इज नॉन एज क्रेस्कोग्राफ। जिस यंत्र के द्वारा यह साबित किया गया था उसे क्रेस्कोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इट इज ए हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। यह एक अति संवेदनशील मशीन होता है। इट कैन मेजर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। यह पौधे की वृद्धि को भी माप सकता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज एबल टू डिटेक्ट मिनट रिस्पॉन्सेस। यह यंत्र पौधे की एक एक मिनट की गतिविधि पता कर सकता है। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड प्रूव्ड लाइफ इन प्लांट वॉज जगदीश चंद्र बोस। जिस वैज्ञानिक ने इस यंत्र को बनाया था और पौधों में जीवन होता है यह साबित किया, वह जगदीश चंद्र बोस था। उनका नाम जगदीश चंद्र बोस था। जगदीश चंद्र बोस वॉज बॉर्न ऑन नवंबर 30, 1858 इन मैमनसिंह नियर ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। जगदीश चंद्र बोस का जन्म ढाका के नज़दीक मैमनसिंह में 30 नवंबर 1858 ईस्वी में हुआ था। अब ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश हम लोग से अलग हो चुका है। हिज फादर भगवान चंद्र बोस वॉज ए डिप्यूटी मजिस्ट्रेट। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक उप न्यायाधीश थे। हिज मदर बामसुंदरी देवी वॉज ए रिलीजियन ओमैन।
उनकी माँ बामसुंदरी देवी एक धार्मिक महिला थी। जगदीश चंद्र हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन विलेज स्कूल इन बंगाली मीडियम। जगदीश चंद्र बोस का प्राथमिक शिक्षा गांव के एक बंगला मीडियम स्कूल में हुआ था। देयर ही बिकेम फैमिलियर विथ हिज ओन कल्चर। वे वहां अपनी संस्कृति को भली भांति जान पाए। ही वॉज सेंट टू कलकत्ता टू लर्न इंग्लिश। उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। ही वॉज एजुकेटेड एट एसटी जेवियर्स स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने एसटी जेवियर्स स्कूल और कॉलेज से शिक्षा प्राप्त किए। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वे बहुत ही तेज बुद्धि वाले छात्र थे। आफ्टर रिसीविंग हिज बैचलर्स डिग्री ही वेंट टू लंदन टू स्टडी मेडिसिन। वे स्नातक की डिग्री लेने के बाद मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। बट ही हैड टू गिव इट अप बिकॉज ऑफ हिज ओन इल हेल्थ। लेकिन उन्हें अपने खराब स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा। आफ्टर वन ईयर ही मूव टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड गोट ए बीएससी डिग्री। एक साल बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए और वहां से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। बीएससी का अर्थ होता है बैचलर ऑफ साइंस। जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई साइंस से करता है, विज्ञान से करता है, उसे बीएससी डिग्री कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस वॉज अपॉइंटेड द लेक्चरर इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। जगदीश चंद्र बोस को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में लेक्चरर के रूप में नियुक्त कर लिया गया। ही वॉज ऑफर्ड ए सैलरी लेस देन ब्रिटिश लेक्चरर्स। उन्हें ब्रिटिश लेक्चरर्स से कम वेतन दिया जा रहा था। ही प्रोटेस्टेड इट एंड आस्क्ड फॉर द इक्वल सैलरी। उन्होंने इसका विरोध किया और समान वेतन देने के लिए कहा। ही वर्क्ड देयर बट रिफ्यूज टू ड्रॉ हिज सैलरी। वे वहां काम कर रहे थे लेकिन वेतन लेने से इनकार कर दिए। ही टॉट फॉर 3 ईयर्स विदाउट सैलरी। उन्होंने बिना वेतन लिए 3 साल तक पढ़ाए। अल्टीमेटली द अथॉरिटी हैड टू बो डाउन। अंततः सत्ता को उनके सामने झुकना पड़ा। ही वॉज पेड फुल सैलरी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब से वे काम कर रहे थे उस समय से अब तक का पूरा वेतन अथॉरिटी ने चुकाया। ही वॉज वेरी पॉपुलर एज ए टीचर। वे टीचर के रूप में बहुत ही प्रचलित हो गए थे। ही यूज साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन वाइल टीचिंग। उन्होंने पढ़ाई के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट्स बिकेम फेमस साइंटिस्ट्स। उनके बहुत सारे विद्यार्थी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए। देयर वॉज नो प्रॉपर लेबोरेटरी फॉर रिसर्च इन द कॉलेज। कॉलेज में अनुसंधान करने के लिए कोई ठीक ठाक प्रयोगशाला भी नहीं था। ही फंडेड हिज ओन मनी फॉर रिसर्च वर्क। उन्होंने शोध कार्य के लिए अपने पैसे को जमा किए और उसमें लगाए। ही एस्टैब्लिश्ड ए स्मॉल लेबोरेटरी। उन्होंने एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। ही कैरिड आउट ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन दैट लेबोरेटरी। उन्होंने उस प्रयोगशाला में कई सारे परीक्षण किए। जगदीश चंद्र बोस वॉज ए साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। जगदीश चंद्र बोस भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। बट ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। लेकिन उन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। ही रिमूव्ड द बैरियर्स बिटवीन फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। उन्होंने भौतिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। दिस इज द एज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। उस समय वायरलेस संचार का युग था। सभी लोग वायरलेस का आविष्कार करने के प्रयास कर रहे थे। दिस टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड बाय जगदीश चंद्र बोस। इस तकनीक को जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कार किया था। ही इन्वेंटेड ए डिवाइस टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने वाला एक मशीन का आविष्कार किया। ही ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इट फंक्शनिंग। उन्होंने इसके काम करने के तरीके को भी प्रदर्शित किया था। लेटर ऑन मार्कोनी गोट द पेटेंट ऑफ दिस इन्वेंशन। बाद में इस आविष्कार को मार्कोनी ने अपने नाम से सुरक्षित करवा लिया। जगदीश चंद्र बोस रिटायर्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्विस एज ए सीनियर प्रोफेसर इन 1915। जगदीश चंद्र बोस 1915 में एक वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में शिक्षण संस्था से रिटायर्ड हो गए।
मतलब सेवानिवृत्त हो गए, वहाँ से मुक्त हो गए। इनफैक्ट ही वाज टू रिटायर इन 1913 बट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड हिज पीरियड ऑफ सर्विस। वास्तव में वे 1913 में ही रिटायर हो गए थे, परंतु सरकार ने उनकी काम करने का समय बढ़ा दिया था। आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज मेड प्रोफेसर इमेरिट्स ऑन फुल स्केल इंस्टीड ऑफ पेंशन। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन के बजाय पूर्ण भुगतान के साथ सेवामुक्त किया गया। ही रिमेंड परमानेंटली कनेक्टेड टू प्रेसिडेंसी कॉलेज। वे बाद में भी प्रेसिडेंसी कॉलेज से जुड़े रहे। इवन आफ्टर रिटायरमेंट हिज रिसर्च वर्क वॉज नॉट इंटरप्टेड। रिटायरमेंट के बाद भी उनका अनुसंधान कार्य बाधित नहीं हुआ। ही सेट अप ए लेबोरेटरी इन हिज ओन हाउस टू कंटिन्यू द रिसर्च। उन्होंने शोध कार्य को जारी रखने के लिए अपने घर में एक प्रयोगशाला बनवा लिए थे। ही कॉल्ड हिज लेबोरेटरी ए टेम्पल। वे अपने प्रयोगशाला को मंदिर कहते थे। इट वॉज नेम्ड बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम बोस अनुसंधान केंद्र था। दिस इंस्टीट्यूट वर्क फॉर द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस संस्थान ने विज्ञान और तकनीक के ज्ञान की उन्नति के लिए काम किया। इट प्रूव्ड टू बी एन आइडियल प्लेस फॉर कैरिड आउट रिसर्च। यह शोध कार्य करने के लिए आदर्श स्थान साबित हुआ। इट प्रोड्यूस्ड हाईली कॉम्पिटेंट एंड एबल साइंटिस्ट फॉर द कंट्री। इसने देश के लिए अत्यधिक सक्षम और योग्य वैज्ञानिकों को बनाया। ये उनका प्रयोगशाला है, ये नाम दिया हुआ है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। अभी भी ये कोलकाता में है, अगर आप लोग वहाँ जाते हैं तो इसको देख सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। जगदीश चंद्र बोस स्वयं एक संस्था के बराबर थे। टिल द लास्ट ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेक्रेट्स ऑफ नेचर। वे अपने अंतिम समय तक प्रकृति के रहस्यों को समझने का प्रयास करते रहे। हिज ग्रोइंग एज कुड नॉट स्टॉप हिम टू नो मोर एंड मोर इन दैट डायरेक्शन। उनकी बढ़ती उम्र भी उन्हें उन चीजों के बारे में जानने से नहीं रोक सके। ही डेड ऑन नवंबर 23, 1937। 23 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया। द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट। जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन, इसका नाम इस असाधारण वैज्ञानिक के नाम में रखा गया, नाम से रखा गया। यहाँ पे वो पिक्चर दिया हुआ है, उनके नाम से ही इस प्रयोगशाला का नाम रखा गया है। यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये इसमें कुछ कठिन वर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसको पढ़कर याद कर लेंगे। और इस चैप्टर का क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे बच्चों ने कुछ आंसर बनाने की कोशिश किया है या स्कूल में बताया गया होगा, आप इस पर ध्यान ना दें, इसमें गलत भी हो सकता है। और यहाँ 2 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चों ने टिक लगाया है इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसमें ट्रू फॉल्स लगाया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप मैं जो आंसर बना के आप लोगों को दूंगा वो कम्प्लीटली सही रहेगा, यहाँ पे गलत भी हो सकता है। और 4 नंबर में यहाँ पे भरने के लिए दिया गया है, इसको पहले ही बच्चों ने इसमें भरा है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर्स बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चंस। हाउ हैव द प्लांट्स नॉट लेस फीलिंग देन मैन। प्लांट्स लाफ वीप एंड बिकम एंग्री लाइक मैन। सो वी कैन से दैट द प्लांट्स हैव नॉट लेस फीलिंग देन मैन। व्हाट इज ए क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ इज ए हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू टेस्ट दैट प्लांट्स हैव ऑल्सो लाइफ इन देम। Where did Jagdish Chandra Bose get his early education? Jagdish Chandra Bose had get his early education in village school in Bengali medium. Why did Jagdish Chandra Bose refuse to draw his salary? Jagdish Chandra Bose refused to draw his salary because he was offered less salary than the British lecturers. Who got the patent of electromagnetic waves? Marconi got the patent of electromagnetic waves. What was done in the honor of Jagdish Chandra Bose? In the honor of Jagdish Chandra Bose,
के बॉटेनिक गार्डन सिचुएटेड इन कोलकाता हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम। क्वेश्चन नंबर टू में चूज द करेक्ट ऑप्शन उसमें दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है, आप यहाँ पे देखकर अपने बुक में टिक लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थ्री में ट्रू फॉल्स दिया गया था, तो यहाँ मैंने ट्रू फॉल्स इसको लिख दिया है, आप इसको देखकर अपने बुक में ट्रू फॉल्स टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में सूटेबल वर्ड्स भरने के लिए दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे मैंने वर्ड्स दे दिए हैं जो वहाँ पे भराने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फाइव में मैच द इन्वेंशन विद साइंटिस्ट, आप उसको मैच करना था उसे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसका आंसर बना दिया है, आप इसको देखकर उसमें मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।